नई अंशदायी पेंशन योजना लागू कर महाराष्ट्र राज्य में 1 नवंबर 2005 से नियुक्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है। इस राशि का 60% शेयर बाजार में निवेश किया जाता है और कर्मचारियों को शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव के आधार पर पेंशन मिलेगी। यह एक जुआ है और सरकार सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के बाद के जीवन पर जुआ खेल रही है और इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्रीय संघ महाराष्ट्र के निर्णय के अनुसार एक विशाल राज्यव्यापी बाइक रैली निकालकर पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए ऐसी मांग की गई। कर्मचारी बंधू भगिनींनो, फक्त जातीचं पातीचं म्हणून निवडून देऊ नका, सक्षम माणसाला आम्ही निवडून द्यायची गरज आहे, तरच आमचा प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गी लागेल। एवढं सांगतो आणि परत सांगतो, मी लोखंडे साहेबांना विनंती सांगतो की आम्ही 100% या मुद्द्या संदर्भामध्ये पूर्ण आरोग्य विभाग वर्धा जिल्ह्यातला आम्ही बंद पाळू। आज आमच्याकडे औषध निर्माण अधिकारी पण अधिकारी आहेत, ज्यांना आज पीएससीमध्ये असायला पाहिजे होतं औषध वाटायला, पण हक्काची जाणीव म्हणून त्या ठिकाणी आल्यात, त्यांचं देखील अभिनंदन करतो आणि परत तुम्ही या ठिकाणी सहभागी झालात त्याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन करून मी थांबतो। इन्कलाब जिंदाबाद।